Hello dear students, welcome to Fly High Academy. Today we are learn about basics of grammar, that is noun. Noun is the first lesson you do in grammar. Noun and grammar is the excellent part of your writing skills. So we can say noun is the muscles of good writing skills. So you really need to pay attention to noun. Noun is naming word of a person, animal, place, थिंग आइडिया और फीलिंग. नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम और किसी आइडिया या फीलिंग का नाम. इन सबको हम नाउन कहते हैं. नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है. संज्ञा का मतलब है किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि पर्सन. पर्सन में आप किसी का नाम लिख सकते हैं, लाइक रिया, वरदान, अनन्या एक्सेट्रा. एनिमल में आप एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं, कैट, डॉग, बियर. देन प्लेस में आप किसी जगह का नाम लिख सकते हैं, भोपाल, मुंबई, पुणे. देन थिंग में आप किसी भी वस्तु का नाम लिख सकते हैं, टेबल, चेयर, बेड. देन आइडिया और फीलिंग में आता है लाफ्टर, डिवोशन, काइंडनेस. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन. इस वीडियो में मैंने 8 प्रकार के नाउन को कवर किया है. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. द स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. देखिए, किसी भी स्पेसिफिक नेम होता है उसे प्रॉपर नाउन बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ माई फ्रेंड. राम मेरा फ्रेंड है. तो राम क्या है? किसी का नाम है. स्पेसिफाई किया है कि मैंने राम जो है वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन. आई लिव भोपाल. मैं भोपाल में रहती हूँ. तो भोपाल क्या है? एक स्पेसिफिक नाम है, इसीलिए उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे. देन ए कॉमन नाउन. कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. कॉमन नाउन बिगिन विद द स्मॉल लेटर एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड. देखिए, कॉमन नाउन जो होता है वो भी किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग का नाम होता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होता है. फॉर एग्जाम्पल, द पार्क इज फुल ऑफ फ्लावर्स. जो पार्क है वो पूरा फ्लावर्स से फिल्ड है. तो इसमें पार्क क्या है? पार्क का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है पार्क. फ्लावर्स भी नॉन स्पेसिफिक है, फ्लावर्स का कोई नाम नहीं है. तो इसीलिए ये क्या होते हैं? कॉमन नाउन. अ बॉय इज ईटिंग एन आइसक्रीम. जो लड़का है वो आइसक्रीम खा रहा है. अब जो बॉय है वो किसी जाति का नाम है और आइसक्रीम भी किसी जाति का नाम है, इसीलिए हम उसे कॉमन नाउन बोलते हैं. कॉमन नाउन जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड. अगर फर्स्ट वर्ड आता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. और यहीं अगर हम प्रॉपर नाउन को देखें तो प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेट. इट रिफर टू थिंग. वी कैन थिंक, हेयर और फील. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जहाँ पे एक्शंस, क्वालिटी और स्टेट को बताया जाए. इट रिफर टू थिंग. वी कैन थिंक, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारे नाउन आते हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन इज फुल ऑफ विजडम. तो विजडम क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. तो यहाँ पे जो ट्रूथ है आप उसको देख नहीं सकते. तो ऐसे जितने भी नाउन होते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोला जाता है, जिसमें आपके भाव का बोध हो. देन ए कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा. कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन. अ कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग. कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जहाँ पे पर्सन्स का कलेक्शन हो, एनिमल्स का कलेक्शन हो या थिंग्स का कलेक्शन हो. जैसे कि मैंने बोला कमेटी. कमेटी क्या है? पर्सन्स का कलेक्शन है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे. देन मैंने बोला हर्ड. हर्ड क्या है? एनिमल्स का कलेक्शन है.
हर्ड मीन्स एनिमल का झुंड, तो वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। वेयर डिड यू लास्ट सी द बंच ऑफ ग्रेप्स, आपने कब ग्रेप्स का गुच्छा लास्ट टाइम देखा था। तो यहाँ पे गुच्छा वर्ड आ रहा है, गुच्छा मतलब किसी एक की बात नहीं हो रही, बहुत सारों की बात हो रही है, तो इसीलिए वो कलेक्टिव नाउन है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस सैंग एट द पार्टी, जो बैंड है म्यूजिशियंस का, उन्होंने पार्टी में सॉन्ग गाया। तो जो म्यूजिशियंस है, म्यूजिशियंस कोई एक नहीं है, वहाँ पे कलेक्शन होता है। म्यूजिशियंस का मतलब है कि कलेक्टिव लोगों ने। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस सैंग एट द पार्टी, जो म्यूजिशियंस का बैंड है उन्होंने पार्टी में सॉन्ग गाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूजिशियंस की बात हो रही है, तो म्यूजिशियंस क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि वो भी कलेक्शन होता है। म्यूजिशियंस मीन्स कलेक्शन ऑफ सिंगर्स। देन ए मटीरियल नाउन, अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। मटीरियल नाउन वो नाउन होता है जिसमें किसी मेटल और सब्सटेंस की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, जो नेकलेस है वो गोल्ड का बना है। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक मेटल है, इसीलिए वो मटेरियल नाउन में आएगा। शी हैज परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर, उसने चांदी का टी सेट खरीदा। तो उसने चांदी का टी सेट खरीदा, चांदी क्या है, एक मेटल है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जितने भी पदार्थ हैं जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, वो सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। देन है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी पेंटेड द टेबल्स रेड, हमने टेबल्स को रेड कलर से पेंट किया। तो टेबल्स आप काउंट कर सकते हैं। ही सेल थ्री ऑरेंजेस, उसने तीन ऑरेंजेस बेचे, तो ऑरेंजेस को आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये वाले नाउन क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन। देन है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज मनी, टाइम मनी है, तो आप मनी को काउंट नहीं कर सकते। देन I don't have much hair, मेरे पास ज़्यादा बाल नहीं है, तो आप बाल को काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद है हमारा कॉन्क्रीट नाउन, इट रिफर टू समथिंग दैट कैन बी सीन, टच, टेस्ट, हर्ड एंड स्मेल। कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। जैसे कि आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। आई एम लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। दीज फ्लावर्स स्मेल्स नाइस, ये फ्लावर्स अच्छी खुशबू दे रहे हैं। तो ये सारे कौन से नाउन होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन जस्ट अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, और आपके आसपास भी बहुत सारे कॉन्क्रीट नाउन रहते ही हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें।